माइक चेक 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 ओके आई विल जस्ट कॉल प्रसाद माइक चेक 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 सम स्टूडेंट्स आर सेइंग इट इज परफेक्ट सम आर सेइंग इट इज नॉट प्लीज लेट मी नो इट्स क्लियर ना ओके इट्स क्लियर ओके That's nice. Okay, so very good afternoon to all my dear friends. Yesterday we had done the rules relating to acceptance of a contract. All the rules that are required for a valid acceptance. साथ ही साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक भी किया था relating to communication of offer, revocation of offer. हमारा एक आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में बचा हुआ है एंड दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दिस आई विल बी डूइंग आफ्टर सम फ्यू डेज ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जिस वजह से मैं चाहती हूं यू शुड गेट अ लिटिल मोर ग्रास्प ऑन दिस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आफ्टर विच वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो करेंटली आई एम कीपिंग दिस टॉपिक ऑन पेंडिंग कौन सी चीजें बची हुई है सुन लो आप अच्छे से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये टॉपिक कुछ दिनों बाद किए जाएंगे सो डोंट वरी करेंटली यू ऑल्सो कीप इट ऑन पेंडिंग मोड ओनली जब सही समय आ जाएगा दैट टाइम आई विल कम बैक टू दोज टॉपिक्स करेंटली आई एम स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज रिलेटिंग टू कंसिडरेशन तो मैं चाहती हूं आप लोग सब आ जाओ आपके चार्टबुक के पेज नंबर 1.6 पे ओके पेज नंबर 1.6 पे आ जाइए और यूनिट नंबर 2 जो है कंसिडरेशन रिलेटेड उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सबसे पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंसिडरेशन ये जो शब्द है कंसिडरेशन इसको लैटिन में क्या बोलते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंसिडरेशन इस शब्द का क्या मतलब होता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन कम ऑन टेल मी I'm waiting for your answers. What do you mean by the word consideration? Please tell me. And what is the Latin word for consideration? Come on, fast, fast and not slow, slow. Everyone. Very good. Arsh, Samad and Jitesh, Raghav and Nishant. Kya baat hai today? All the boys are really very active in the class. Consideration ka Latin word jo hota hai that is quid pro quo. Quid pro quo मतलब something in return तो जब कभी भी कोई भी contract होता है what happens is एक चीज के बदले में आपको दूसरी चीज मिलती है तो जो चीज आपको मिल रही है okay उसी को कहते हैं as the consideration for your contract जैसे कि say for example आमिर अपनी गाड़ी बेच रहे जिसके बदले में उनको 50 लाख मिलने वाले हैं whatever he is getting In return, what is he getting in return? 50 lakh rupees is the consideration for Aamir Khan. Whereas, Shah Rukh Khan 50 lakh rupees de rahe, jiske badle mein, in return, he is getting the car. To unke liye, consideration for the contract will be the car. So, whatever you get in return is the consideration for you. Isi consideration shabd ka Latin word jo hai, usko kehte hai quid pro क्यों अब यही कंसिडरेशन के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो आज इस यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बात तो लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम कंसिडरेशन इस शब्द को समझने की कोशिश करें
तो कंसिडरेशन का मतलब होता है इट इज अ प्राइस दैट इज टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर. सो वट एवर थिंग यू आर गिविंग इन रिटर्न ऑफ वॉट यू हैव प्रोमिस्ड ओके इज नोन एज कंसिडरेशन. बट इसी कंसिडरेशन की एक लीगल डेफिनेशन है. ये लीगल डेफिनेशन मैं रीड करना चाहती हूं. आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंसिडरेशन. सिर्फ रीड कर रही हूं, फिर इस डेफिनेशन को हम लोग बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करने वाले हैं. देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग डज or abstains from doing, promises to do or abstaining from doing something, such act or abstinence or promise is called as a consideration for the promise. अब सबसे पहली बात तो आप देखोगे यहां पे दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है. You are doing something or you are abstaining from doing something. You had done something or you had abstained from doing something. Or you are promising to do something or you are promising to abstain from doing something. इससे ये चीज समझ में आती है that consideration can be for doing something or consideration can also be from abstaining from doing something. In short, consideration can be positive or it can be negative. कुछ करने के लिए आप कंसिडरेशन दे सकते हो या कुछ ना करने के लिए भी आप कंसिडरेशन ऑफर कर सकते हो. हाँ, तो जब करने के लिए आप कंसिडरेशन देते हो उसको कहते हैं एज पॉजिटिव कंसिडरेशन, और कुछ ना करने के लिए अगर आप कंसिडरेशन देते हो इट इज नोन एज अ नेगेटिव कंसिडरेशन. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स, आमिर ने अपनी गाड़ी दी है जिसके बदले में शाहरुख ने 50 लाख रुपए देने के लिए प्रॉमिस किया है. अब यहां पे दोनों भी पार्टीज के साइड पे कुछ करने के लिए वादा किया जा रहा है, मैं गाड़ी दूंगा आप पैसे देना. दिस कंसिडरेशन इज फॉर डूइंग समथिंग, इट इज पॉजिटिव कंसिडरेशन. बट माई डियर फ्रेंड्स, कंसिडरेशन कैन समटाइम्स ऑल्सो बी नेगेटिव इन नेचर. यू कैन ऑल्सो एब्स्टेन योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ गेटिंग समथिंग एल्स. जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दो बार आपको सिखा दिया, नाउ दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग दिस एग्जाम्पल. ओके, यहां पर क्या हुआ है, टॉम और जेरी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से जेरी टॉम को कह रहा है, हे टॉम, डू नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी फॉर 6 months, जिसके बदले में आई विल गिव यू एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000. मेरे अगेंस्ट केस ना फाइल करने के लिए मैं आपको ₹10,000 दूंगा. अब यहां पे ना करने के लिए यू आर एब्स्टेनिंग योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसी के बदले में आपको कुछ मिल रहा है इन रिटर्न. सो दिस इज अ नेगेटिव कंसिडरेशन. तो पॉजिटिव कंसिडरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कंसिडरेशन भी हो सकता है, और उसी चीज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. और यही तीन हिस्से जो है अगर आप रियलाइज करोगे आर योर 3 tenses, पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर टेंस. सो यस माई डियर फ्रेंड्स, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, consideration can be present and consideration can also be future in nature. इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट याद रखना डेफिनेशन तो वही चीज कहती है कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर इन नेचर. अलॉन्ग विद दैट इफ यू लुक इन टू द डेफिनेशन सेज दैट द कंसिडरेशन moves at the desire of the promisor. It moves at the desire of the promisor. So basically consideration must be offered by the promisee or the third party at the request of the promisor. So consideration must move at the request, at the desire of the promisor. Getting this or no, my dear friends? Yes. अब देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है. इनफैक्ट
एक्ट तो कहती है, ये आपने सेक्शन नंबर 10 में ही देखा था. क्या था सेक्शन नंबर 10? सेक्शन नंबर 10 वॉज रिलेटिंग टू द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या था सेक्शन नंबर 10? सेक्शन नंबर 10 वॉज टॉकिंग अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसी में लिखा था कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, प्लस कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है. और उसी में मैंने आपको बताया था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, जहां पे एक साइड पे हमने जनरल रूल देखा है, क्या देखा है हमने जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसी जनरल रूल के है कुछ एक्सेप्शंस. लेट अस लुक इन टू दोज एक्सेप्शंस फर्स्ट, देन वी विल लुक इन टू द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड ऑल्सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले मैं आई हूं यहां पे डायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब कहां पे? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन पे मैं आई हूं. इसका क्या मतलब होता है जब मैं कहती हूं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूं? इसका ये मतलब होता है, ये 7 points जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, ये 7 points जो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं, यहां पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला पॉइंट देखें, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड दीज टू पार्टीज आर इन टू अ नियर रिलेशनशिप विथ ईच अदर. नियर रिलेशनशिप मतलब क्या क्या हो सकता है? आप आपके पापा, आप आपकी मम्मी, भैया और दीदी, या तो फिर हस्बैंड एंड वाइफ. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम लोग भी बहुत क्लोज है एक दूसरे से. कैन वी बी कंसिडर्ड टू बी इन अ नियर रिलेशनशिप? नो माय डियर फ्रेंड्स, नियर रिलेशनशिप विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ. तो यही जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए है उन्हीं को हम नियर रिलेशनशिप में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, नो मैटर हाउ क्लोज यू आर टू योर गर्लफ्रेंड विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन. ओके, तो नाउ हाँ यस गौरव, फादर एंड सन, और से फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, और ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर नियर रिलेशनशिप्स. तो सुनो ना मेरी बात, दो पार्टीज है एंड दीज टू पार्टीज आर इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर. दे आर, हे भगवान गौरव, राधे राधे, कितने भैया दो आप लोग, संभालो अपने आपको. सुनो ना मेरी बात, यहां पे यू आर इन टू अ नियर रिलेशनशिप विथ ईच अदर एंड यू हैव नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन यू ऑल. और आपने आपके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में रखा है और उसे रजिस्टर करवाया है अंडर द लॉ, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द आईज ऑफ लॉ. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, ओके, से फॉर एग्जाम्पल आपको याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था विराट और अनुष्का का, तब आपने कहा था मैम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट. अब देखो, अगर आप ऐसे अग्रीमेंट्स को एनफोर्स करना चाहते हो इन द आईज ऑफ लॉ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल रहेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस. बट वेन विल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बी एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ? जब माय डियर फ्रेंड्स दोनों भी पार्टीज आर इन अ नियर रिलेशनशिप. तो यस, विराट एंड अनुष्का आर इन अ नियर रिलेशनशिप. डू दे शेयर नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स? यस. बट अब ये जो वादा जो विराट ने अनुष्का को किया था कि हे अनुष्का, आज हमारी एनिवर्सरी के दिन पे आई विल गिफ्ट यू अ डायमंड रिंग, इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये राइटिंग में होता और अगर ये कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड होता अंडर द आईज ऑफ लॉ, देन माय डियर फ्रेंड्स, सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन एनफोर्सेबल इवन इफ देयर इज नथिंग दैट अनुष्का इज गिविंग इन रिटर्न टू विराट.
विराट ने तो प्रॉमिस कर दिया कि हे अनुष्का मैं तुझे ये डायमंड की रिंग दे रहा हूं, बट उसके बदले में विराट को कुछ नहीं मिल रहा है, इन रिटर्न ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो अब ऐसे केस में देर इज नो कंसिडरेशन दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम अनुष्का साइड टू विराट साइड, बट स्टिल इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम अनुष्का टू विराट, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वाई विल इट रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज इट इज फॉलिंग अंडर द फर्स्ट एक्सेप्शन, एंड दैट इज व्हेन टू पार्टीज आर इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, they have natural love and affection, the contract is in writing and it is also registered in law, then this written and registered agreement based on near relationship and natural love and affection between the parties, this contract will be enforceable even if there is no consideration between the parties. वापस से सुनो ना मेरी बात, अगर आपका contract writing में है, registered है, और हम लोग इस बेसिस पे है कि आप लोग नियर रिलेशनशिप में हो और आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम अनुष्का साइड टू विराट साइड, स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन देयर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, अंडरलाइन द वर्ड पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, किसी पर्सन ने कुछ काम किसी और के लिए ऑलरेडी कर लिया है, किसी पर्सन ने किसी और के लिए काम ऑलरेडी कर लिया है, मतलब बेसिकली योर सर्विस वॉज अ पास्ट सर्विस, और ये जो सर्विस आपने पास्ट में दी है इट वॉज वॉलेंट्री इन नेचर, ये जो सर्विस आपने पास्ट में दी है इट इज वॉलेंट्री इन नेचर, ये जो सर्विस आपने पास्ट में दी है इट इज माय डियर फ्रेंड्स वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री मतलब क्या, स्यू मोटो, खुद होके ये काम आपने किया है, किसी के दबाव में आके या किसी के बोलने में या किसी कोई आपको इन रिटर्न कुछ दे रहा है उस ख्याल में आपने ये काम नहीं किया है। यू हैव डन दिस एक्ट ऑन योर ओन बिकॉज यू वॉन्टेड टू डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अब आपने ये काम ऑलरेडी कर दिया है जिसके बदले में अब कहा जा रहा है, जिसके बदले में अब कहा जा रहा है कि आपको कुछ हम रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तो आज जब हम रिवॉर्ड दे रहे हैं उसके बदले में आप वापस से कुछ नहीं करने वाले हैं, हमने रिवॉर्ड दिया ही है फॉर योर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड इन नेचर। जैसे कि आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, देखो यहां पर क्या हुआ है, से आपकी एग्जाम्स हो गई फाउंडेशन की और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ से, बोल रहे कि क्या यार पिछले एक डेढ़ साल से मैं घर में ही बैठा हूं, कहीं बाहर नहीं गया, कुछ सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं, अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोरोना भी नहीं रोकेगा, आई वांट टू गो टू गोवा ऑन अ वेकेशन। ओके, सो नाउ यू वेंट फॉर अ वेकेशन इन गोवा, वहां पे आप ऐसे ही बीच पे टहल रहे थे और आपने देखा कि एक बच्चा जो है वो डूब रहा है उस समंदर में। ओके, तो ये आप हो और आप देख रहे हो ये बच्चा जो है वो समुंदर में डूब रहा है, बचाओ बचाओ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, वो चिल्ला रहा है। जैसे ही उस बच्चे को आप डूबते हुए देखते हो, ऑब्वियसली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट यू डू इज यू गो एंड यू सेव दैट चाइल्ड। अब ये देखो, ये जो काम आपने किया है ये आपने वॉलेंट्रली किया है, बच्चे को बचाने के बाद आपको कुछ इन रिटर्न मिलेगा इस उम्मीद में आपने नहीं किया है, मॉरली यू फेल्ट दैट यू शुड सेव दैट चाइल्ड एंड दस यू सेव्ड द चाइल्ड। अब जैसे ही आप बच्चे को बचा लेते हो, बच्चे के जो पिताजी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरे इकलौते बच्चे को आपने बचा लिया, धन्यवाद, इतने खुश हो जाते हैं कि वो कहते हैं आई वॉन्ट टू गिव यू 5 लाख रुपीज
फॉर व्हाट यू हैव डन. अब देखो ये जो रिवॉर्ड आज सेठ जी ने अनाउंस किया है, दिस वॉज फॉर योर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज. अभी 5 लाख के बदले में आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो एनी कॉम्पेंसेशन दैट यू हैव रिसीव्ड कोई कह रहा मैम मैं जाऊंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा, तो मत जाना बेटा आप, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. तो सुनो ना मेरी बात, फिर आप गोवा मत जाओ बेटा, आप कश्मीर जाओ, ठीक है. सुनो मेरी बात. सो एनी सर्विसेज दैट यू हैव रेंडर्ड वॉलेंट्रिली ओके इन द पास्ट फॉर विच यू आर गेटिंग कॉम्पेंसेशन राइट नाउ will be considered valid in nature and you can accept that consideration. Next, point number 3 jo hai, time bar debt. Main padhaungi, just give me 2 minutes. Aakhri mein main wo padhaungi, time bar debt. Pehle aajao point number 4 and that is agency. Now, what do you mean by agency, my dear friends? Kya aap log mujhe bata sakte ho agency ka kya matlab hota hai? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एजेंसी? जॉइंट वेंचर, लाइक आप लोग उसी के बारे में अभी तक डिस्कशन कर रहे हो, बताओ ना मुझे. गौरव आपको बड़ा पता है गोवा में कौन सी सारी जगह है घूमने के लिए. बोलिए ना मुझे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजेंसी? ओके, हिमांशु कह रहा है एजेंसी मींस व्हेन एजेंट डज द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. पीपल फॉर्मिंग ग्रुप एंड स्टार्टिंग समथिंग टुगेदर, इट इज एन एसोसिएशन, दैट इज नॉट एन एजेंसी. यस, व्हेन एन एजेंट इज वर्किंग फॉर समबडी एल्स. ओके, सो व्हेन वन पर्सन वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है, लिसन टू मी. एजेंसी मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन किसी और के बिहाफ के लिए काम करता है, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. व्हेन वन पर्सन डज एन एक्ट on behalf of somebody else, it is known as a contract of agency. सबसे simple example मैं आपको देती हूं, जैसे कि there is a real estate agent. अब see for example, studio जो है, इसी classroom का studio जो है currently अभी rent पे है, मुझे उसको लेना है, not on rent but I want to purchase it. I don't want to continue the rent agreement but I want to purchase that particular studio. अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे वो पर्टिकुलर स्टूडियो को खरीदना है, आई अपॉइंटेड अ रियल एस्टेट एजेंट और मैंने एजेंट को कहा, हे एजेंट, क्या तुम इस क्लासरूम के, इस स्टूडियो के ओनर से बात करके मेरी डील फिक्स करा सकते हो टू परचेज दिस क्लासरूम? अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, जब ये जो रियल एस्टेट ब्रोकर है या एजेंट है, ये डील फिक्स कराता है और मेरे नाम पे ये स्टूडियो को खरीदता है, ये पर्सन जो है इज माय एजेंट एंड आई एम हिज प्रिंसिपल. जो किसी और के लिए काम करता है वो एजेंट होता है, और जिसके लिए काम किया जा रहा है उसे कहते हैं एज द प्रिंसिपल. और इसी रिलेशनशिप को कहते हैं एज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. अब देखो, जब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया
जब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया, देर वॉज नो कंसिडरेशन दैट मूव्ड फ्रॉम मी टू हिम और फ्रॉम हिम टू मी इमीडिएटली. मैंने सिर्फ एजेंट की तरह उनको अपॉइंट कर दिया है और कह दिया है कि मेरे लिए इस स्टूडियो को आप खरीद लीजिए. When you create an agency, there is no consideration that moves on. हाँ, let me tell you one thing. But बाद में वो ब्रोकर जो है मेरे लिए ये स्टूडियो को खरीदेगा. So consideration has flown from his side to my side in the form of services being rendered. और उसके बदले में मैं उनको कमीशन दूंगी ना, मैं उनको ब्रोकरेज दूंगी, तो मेरे साइड से भी consideration उन तक पहुंच रहा है. बट पति की बात यह है दैट वेन यू क्रिएटेड एजेंसी देर वॉज नो कंसिडरेशन दैट मूव्ड ऑन. लेटर ऑन कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द एजेंट टू द प्रिंसिपल एंड फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट. फॉर क्रिएटिंग एजेंसी देर इज नो कंसिडरेशन दैट इज नेसेसरी. तो देखो पॉइंट नंबर 4 भी वही कहता है, no consideration is necessary to create an agency. Underline the word to create an agency. To create an agency, there is no consideration that is required. There is no consideration required to create an agency. मैं चाहती हूं आप एक सेंटेंस वहां पे लिख दो, देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. बराबर, वेरी गुड. किसने दिया है मुझे? काजल. वेरी गुड काजल. काजल ने कहा मैम लाइक कंसाइनमेंट. यस काजल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जहां पे कंसाइनमेंट में भी दो पार्टीज होते हैं, कंसाइनर कंसाइनी. कंसाइनर प्रिंसिपल है और कंसाइनी एजेंट है. यहां पे कंजाइनी गुड्स को बेच रहा है बट खुद के लिए नहीं बेच रहा है, किसी और के लिए बेच रहा है. और ये जो कोई और है उसको कहते हैं कंजाइनर, जो होगा प्रिंसिपल. और कंजाइनी जो है उसको माना जाएगा एज द एजेंट. तो जब कभी भी कंजाइनी मतलब एजेंट किसी और के लिए काम करता है, मतलब कंजाइनर के लिए काम करता है, मतलब प्रिंसिपल के लिए काम करता है, उसी को कहा जाता है एज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. इसी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए देर इज नो कंसिडरेशन दैट इज रिक्वायर्ड. बट अब मैं चाहती हूं आप ये लिख दो, कंसिडरेशन लेटर ऑन फ्लोज फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एंड फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड. तो हाँ काजल, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया. थैंक यू सो मच. तो देखो, जब कंजाइनर ने कंजाइनी को अपॉइंट किया, क्रिएट हुआ एजेंसी, तब किसी के भी साइड से कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ. हमने यहां पर कंजाइनर और कंजाइनी का रिलेशनशिप बना दिया, एजेंसी क्रिएट हो गई, बट तब कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ. बाद में कंजाइनी जो है गुड्स को कैश में बेचेगा, क्रेडिट में बेचेगा, कैश लाएगा, डिपॉजिट करेगा, अब वो सर्विसेज दे रहा है. सो कंसिडरेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल. और ऑब्वियसली ये सारा काम होने के बाद, हिसाब किताब करने के बाद, प्रिंसिपल भी मतलब कंजाइनर भी कमीशन देगा कंजाइनी को. बट दिस हैपेंस लेटर ऑन. जहां तक क्रिएशन की बात है, देर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एंड एजेंसी. क्या बात है, यू ऑल आर सेइंग दैट इट इज क्लियर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मैं सिर्फ चाहती हूं आप एक सेंटेंस लिख दो, लेटर ऑन कंसिडरेशन मे फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट एंड फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एंड फ्रॉम एजेंट टू द प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड. ओके, वेरी गुड. In the form of services being rendered. Next point. Completed gifts. Okay. So if one person has given a gift to another person, gift given,
completed gift, gift given, does not require anything in return. वही तो concept होता है ना gift का. तो say for example, कल sir की और मेरी anniversary थी, आपने मुझे और sir को कुछ gift दे दिया. अब जब आपने sir को और मुझे कुछ gift दिया है, you cannot expect anything in return from us. कि मैम हमने अभी आपको gift दे दिया, चलो अभी आप हमको party दो. It doesn't work like that, okay? So, a completed gift does not require any consideration. Yaad rakhna, completed gift matlab a gift already given. A promise to give a gift is not valid in the eyes of law. The gift should be a completed gift. Matlab, gift aapne de diya hai, okay? So, you give a nice perfume set to both of us. Completed gift या wallet का, his and her का आपने हमें एक set दिया है. अब ऐसे केस में completed gift जो है उसके लिए you cannot expect anything in return. It does not require any consideration. Next, point number next, bailment. Do you know anything about bailment? खैर बेलमेंट के बारे में हम लोग इंटर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट क्या अभी आपको बेलमेंट के बारे में कुछ पता है? प्लीज लेट मी नो. बेटा रिटर्न गिफ्ट अगर हम चाहे सी मोटो हम आपको दे सकते हैं, बट लीगली वी आर नॉट बाइंडेड टू गिव यू अ रिटर्न गिफ्ट. समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रही हूं मॉरली वी विल गिव यू समथिंग, मैं कह रही हूं लीगली वी आर नॉट बाउंड टू गिव यू अ रिटर्न गिफ्ट, है ना? आप गिफ्ट दो ना हमें प्यारे प्यारे बड़े बड़े, वैसे भी हम कितने गरीब हैं आपको पता ही है. आई विल गिव यू अ रिटर्न गिफ्ट. बेलर बेली आप लोग, अच्छा ठीक है, बेलमेंट के पार्टीज बेलर बेली होते हैं, बट वॉट डू यू मीन बाय बेलमेंट, ऐसा पूछा है मैंने. हाँ किसी का शायद आया है, रमेश का, फिजिकल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू somebody एल्स, कार को रेंट पे लेना, पुलकित कह रहा है. ओके हायरिंग ऑफ गुड्स, ओके फाइन. तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको बेलमेंट का पता है. सुनो व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. हाँ ये देखो ना एक बार, completed gifts मतलब gift given, a gift given is valid in nature and requires no consideration, but promise to give a gift, promise to give a gift is void agreement and not valid as there is an uncertainty. एक काम करो ना, ये छोटा सा हिस्सा लिख दो, promise to give a gift is void agreement and completed gift is valid, requires no consideration. Write this down, I'm giving you a minute.
ओके हाँ तो सुनो ना, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. बेलमेंट का ये मतलब होता है व्हेन वन पार्टी, ओके यहां पे देखो ना, सुनो यहां पे क्या हुआ, व्हेन वन पार्टी इज ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू समबडी एल्स, व्हेन वन पार्टी इज ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू समबडी एल्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इट इज नोन एज अ बेलमेंट. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया है, आपकी कार आपके फ्रेंड को दी है फॉर से टुडे इवनिंग. आपने आपकी कार जो है आपके फ्रेंड को दी है आज शाम के लिए. यहां पे आपकी कार, आप ओनर हो इन गुड्स के, आपने इन गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर किया है. क्या ट्रांसफर किया? पोजेशन ट्रांसफर किया. आपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर किया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. और ये पर्पस क्या है? यूसेज ऑफ द गुड्स. और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, द गुड्स विल बी रिटर्न्ड बैक टू द ट्रू ओनर. मतलब जैसे ही आज शाम को आपका फ्रेंड जो है से फैमिली ट्रिप के लिए कहीं बाहर जाने वाला था, लोनावला जाने वाला था पुणे से, और फिर अगली सुबह वो आने वाला था, तो जैसे ही वो आ जाता है वापस से फैमिली को लेके, ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, ही विल ऑब्वियसली रिटर्न द कार बैक टू यू. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? So when one party, who is this one party, owner of the goods, is transferring the possession of the goods to somebody else, who is this somebody else? Bailee, possessor, for a particular purpose. As soon as the purpose is over, the goods are returned back to the owner. Such a contract is known as a contract of bailment. Bahut sare bachchon ne मुझे एग्जाम्पल्स भी दिए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जैसे टेलर को आपके क्लोथ्स देना स्टिच करने के लिए, आप का ये शर्ट मटेरियल है जो आपने टेलर को दिया है उसको शर्ट में बनाने के लिए, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तो यहां पे पर्पस क्या है? मॉडिफिकेशन. क्या मॉडिफाई करना? शर्ट मटेरियल को शर्ट में मॉडिफाई करना है. ही विल रिटर्न द गुड्स बैक टू यू. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? या क्लोथ्स को ड्राई क्लीनिंग के लिए देना, स्टीम प्रेस के लिए देना, व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. अब यहां पे एक्ट कहती है, आपके बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपने आपके फ्रेंड को आपकी गाड़ी दी है एक शाम के लिए या एक दिन के लिए, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. दिस इज नेचुरली दैट इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंडशिप दैट यू आर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड. यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. इवन इफ, अच्छा आप लोगों को याद है, आपने आपकी स्कूटी जो है आपकी फ्रेंडी को दी है, राइट माय डियर फ्रेंड्स? गौरव, एकदम सही आपने कहा है. तो गौरव, क्या आप मेरे रेगुलर बैच के भी स्टूडेंट थे? इस केस में जब आपने आपकी स्कूटी आपकी फ्रेंडी को दी है, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम हर. यस और नो गाइज? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. हाँ, किसी ने बोला व्हीकल सर्विसिंग को देना, यस शुभम, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बट इस बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड होगा. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्योंकि आपने आपकी एक्टिवा सर्विसिंग को दी है, जैसे ही सर्विसिंग हो जाती है आपको आपके गुड्स मिल जाएंगे, बट यहां पर सर्विसिंग के चार्जेस भी लगेंगे ना. तो ये वो वाला बेलमेंट है जहां पर कंसिडरेशन है. हम तो क्या बात कर रहे हैं? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे जनरल रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है, और इन एक्सेप्शंस में है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पे हम कह रहे हैं इवन इफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. से आपकी फ्रेंड आज का क्लास मिस कर दी. अब ऐसे केस में जब आपकी फ्रेंड ने आज की क्लास मिस कर दी है, शी बोरोड योर नोट्स. हाँ, वैसे ये अभी तो होता नहीं है, स्कूल के जमाने में होता था. अभी तो क्या, यू ऑल फील दैट यू ऑल आर रियली वेरी स्मार्ट, सो यू ऑल डोंट रिक्वायर, यू ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक नोट्स, है ना? सही कहा ना, सही पहचाना ना आप लोगों को कि गलत पहचाना? तो अब जब आपने स्कूल टाइम में आपके फ्रेंड से नोट्स बोरो किए हैं, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. जैसे ही आप आपके नोट्स कंप्लीट कर लेते हो, आप ये गुड्स को वापस से उसके पास लौटा देते हो. तो यहां पे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
ये देखो, अगर आप चाहते हो ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैरिटी, चैरिटी, अब सुनो मेरी बात। जैसे गिफ्ट का था वैसे ही चैरिटी का भी है। चैरिटी गिवन डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, ओके। चैरिटी गिवन डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। तो से फॉर एग्जाम्पल, कोरोना के इस समय पे आपने क्या किया, 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए हैं, ओके, फॉर द मेकिंग ऑफ द वैक्सीनेशन और सप्लाइंग से ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑब्वियसली जब आपने ये 10 लाख रुपए दिए है, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। Even if you are not expecting anything in return, this contract remains to be a valid contract. So charity given does not require any consideration. No consideration, no contract ka ye hai ek exception. But now listen to me, isme bhi ek catch hai. Isme lawmakers kehte hai, aapne charity dene ka vaada kiya hai. Aapne charity di nahi hai. इट इज नॉट अ कंप्लीटेड चैरिटी, आपने चैरिटी देने का वादा किया है, और क्या हुआ है, इसी वादे के ऊपर सामने वाले पार्टी ने कुछ खर्चा कर दिया है, तब जितना भी खर्चा किया है उतना पैसा अब आपसे रिकवरेबल है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, चैरिटी गिवन डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, बट प्रोमिस टू गिव अ चैरिटी, यहां पर सिर्फ गिफ्ट के बदले आप समझ लो वर्ड है चैरिटी, प्रोमिस टू गिव अ चैरिटी इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ बिकॉज इट इज अनसर्टन। बट नाउ यू प्रोमिस टू गिव अ चैरिटी एंड ऑन दिस प्रोमिस देर वर सर्टन एक्सपेंसिस दैट वर इनकर्ड, फिर जितना खर्चा किया है उतना खर्चा आप रिकवर कर सकते हो। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? ये देखो, एक केस में ऐसा ही हुआ था, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां पे क्या हुआ था, से एक भक्त थे और एक पुजारी जी थे। इसी भक्त ने इस पुजारी जी को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, कि हे पुजारी जी, आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज फॉर द रिपेयर्स ऑफ दिस टेम्पल। ये टेम्पल जो है उसकी दीवारें अब खंडित हो रही है, खंडित हो रही है मतलब वो टूट रही है, तो उसी के रिपेयर्स के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। अब देखो जनरल रूल क्या बोलता है, प्रॉमिस टू गिव अ चैरिटी इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ, बट देखो क्योंकि ये भक्त ने 10,000 रुपए देने का वादा किया था, पुजारी जी ने 5,000 रुपए जो है उसका रॉ मटेरियल ला लिया फॉर द रिपेयर्स ऑफ द टेम्पल। ये 5,000 रुपए जो है फिर पुजारी जी इस भक्त से मांगते हैं और भक्त देने के लिए मना कर देता है, डिनाई कर देता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, कैन द पुजारी जी रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम दिस प्रोमिसर, फ्रॉम दिस भक्त? कम ऑन, यू टेल मी, will this pujari ji be able to recover the amount? Come on, tell me fast, fast. I'm having tea, you all can have it, okay? I have no problem even if you are having some snacks while watching my lectures. Please excuse me for this. Okay. So, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है कि yes, ma'am, this pujari ji can recover the 5,000 rupees from the bhakt. Why? Because ये promise ही ने ये liability जो incur की है, it was on the basis of the promise that this bhakt had given to the pujari ji about the contribution for the repairs of this temple. Yes or no guys? Yes. अच्छा एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ, suppose pujari ji 12,000 रुपए खर्चा कर देते हैं for the repairs of this temple, क्या पूरे के पूरे 12,000 रुपए इस भक्त से recover किए जा सकते हैं? बोलो ना, क्या पूरे के पूरे 12,000 रुपए recover किए जा सकते हैं? Tell me.
सो यस, उर्वशी कह रही है नो मैम ओनली रुपीज 10,000. इवन नंदनी सेड ओनली रुपीज 10,000. संस्कार भी, यस वेरी गुड. इस केस में अगर आपने प्रॉमिस्ड अमाउंट से ज्यादा खर्चा किया है तो फिर प्रॉमिस और पूरे अमाउंट को देने के लिए लायबल नहीं रहेगा. वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, ही विल बी लायबल टू पे ओनली रुपीज 10,000. क्या बात है, वेरी स्मार्ट यू ऑल आर यार. और एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है एंड दैट इज प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. सबसे पहली बात तो व्हाट इज अ टाइम बार्ड डेट. ओके, एक एक्ट है जिसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963. एक एक्ट है जिसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963. इसी एक्ट में दिया गया है, इसी एक्ट में दिया गया है कि कोई भी डेट अगर आप रिकवर करना चाहते हो, व्हाट इज अ टाइम लिमिट डेट यू हैव टू फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी टू रिकवर दिस डेट. एक्ट कहती है अगर दो पार्टीज के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, अगर दो पार्टीज के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हमारा ये जो क्रेडिटर है वो डेटर से ये पैसा रिकवर कर सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द टाइम द डेट बिकेम ड्यू. 3 साल तक अगर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया देन ऐसे केस में आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दैट अमाउंट लीगली. यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दैट अमाउंट लीगली. इसी डेट को फिर माना जाएगा एज अ टाइम बार डेट. इसी डेट को फिर क्या माना जाएगा, एज अ टाइम बार डेट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल ये दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और इसी ए ने बी को कुछ 10 लाख का लोन दिया था ऑन 1 January 2014. ठीक है, दिस पीपीटी इज इन योर बुक्स सो यू नीड नॉट राइट एनीथिंग. 1 January को ए ने बी को एक लोन दिया था 10 लाख रुपए का एंड दिस लोन वॉज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो अब देखो अगर 5 सालों के लिए ये लोन दिया है, 5 सालों के लिए ये लोन दिया है, मतलब पूरा 2014, पूरा 2015, 16, 17, पूरा 2018, 31 January 2018 तक आपका लोन का समय है, आफ्टर विच द अमाउंट विल बिकम ड्यू. सो बेसिकली द अमाउंट विल बिकम ड्यू फ्रॉम द 1 January 2019. द अमाउंट विल बिकम ड्यू फ्रॉम द 1 January 2019. उस समय पे ना मिस्टर ए वॉज नॉट इन इंडिया, ही हैड गॉन समवेयर एल्स, ही वॉज ऑन अ वर्ल्ड टूर. 2019 में पूरे साल उन्होंने कुछ नहीं किया, 20 में कुछ नहीं किया, 21 में भी कुछ नहीं किया. अब देखो 1 January 2022 को दिस डेट बिकम्स अ टाइम बार्ड डेट. मतलब अब 1 January 2022 के बाद This person will not be able to legally recover any amount from Mr. B. Why? Because this debt has become a time-barred debt. अब 2023 में Mr. A इंडिया में आए. That time he demanded the amount to pay, demanded the amount from Mr. B. अब Mr. B जो है बेचारा साफ इंसान था, गलत इंसान नहीं था. ठीक है, तब 2014 में पैसों की जरूरत थी तो पैसे बोरो किए, बट नियत बेचारी की खराब नहीं है. आज 2023 में जब ये डेट ऑलरेडी टाइम बार हो चुका है, फिर भी बी जो है वो राइटिंग में वादा करते हैं कि आई विल गिव यू दिस 10 लाख रुपीज. अब देखो आज जो बी ने वादा किया है ए को 10 लाख रुपए देने का, उसके बदले में ए बी को कुछ नहीं देने वाले. आप लीगली देखो, लीगली सोचो, 1 January 2022 को डेट टाइम बार हो गया. क्योंकि डेट टाइम बार हो गया, लीगली देयर वाज नथिंग दैट ए हैड गिवन टू बी. कानून की आंखों से देखो, कानून की आंखों से देखो, अब वो टाइम बार हो गया,
उसका किस्सा कानून की आंखों में खत्म हो चुका है। फिर भी 2023 में बीए को वादा कर रहा है कि वो उसको 10 लाख रुपए देगा, वो भी वादा राइटिंग में किया जा रहा है, साइन की जा रही है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। बी ने ए को वादा किया है 10 लाख रुपए देने के लिए। आज के जमाने में देर इज नो कंसिडरेशन दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, स्टिल प्रोमिस टू रीपे अ टाइम बार डेड इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और आज वापस से कंसिडरेशन रीफ्लो होने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट याद रखना, ये जो वादा है इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस। प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एनी डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स? Yes, Vishwas, he will have to pay it back to Mr. A if he promised to give it in writing and he has signed on it. Bharat, what is your doubt? You are saying, ma'am, point is not clear. आपने no लिखा है, आपका कुछ doubt होगा तो please पूछो ना, no मत लिखो। कशिश पूछ रही है, मैम अगर केस उल्टा होता, बी कहीं फॉरेन कंट्री में होता और उसने टाइम बार डेट को पे नहीं किया। देखो सुनो, टाइम बार डेट कब होता है? आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ड्यू डेट। तो अगर वो अब्रॉड है, ए कैन ऑलवेज आस्क द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी, है ना कशिश? तो यहां पे अगर वी आर नॉट एबल टू रीच हिम एंड ही इज नॉट पेइंग द अमाउंट, यू कैन ऑलवेज फाइल अ केस। और एक बार केस फाइल हो जाता है फिर कोई टेंशन नहीं है, देन द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। Yes, 2023 में आप वापस से राइटिंग में दोगे, वापस से आप राइटिंग में दोगे दैट आई प्रॉमिस टू पे 10 लाख रुपीज टू यू फॉर द डेट दैट हैज बिकम टाइम बार्ड एंड यू विल साइन इट। किसी ने पूछा है, सीरी एलिजाबेथ, मैम इफ मिस्टर बी हैज नॉट प्रॉमिस्ड एंड नॉट साइन देन व्हाट अबाउट द लोन? तो अगर बी ने ना ही प्रॉमिस किया, ना ही राइटिंग में दिया, ना ही साइन किया, अनफॉर्चुनेटली ए विल नॉट बी एबल टू रिकवर द लोन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी। यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट, इट इज अ टाइम बार डेट। अब आपके लीगल राइट्स भी खत्म हो चुके हैं। अब इस अमाउंट के लिए आपके पास कोई भी एक्शन नहीं होगा, ए के लिए बैड डेट लॉस हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट लॉस। अच्छा, भरत कह रहा है नो डाउट। अच्छा, नो मतलब नो डाउट, ओके ओके, गॉट इट। सो आई थिंक योर डाउट्स आर क्लियर रिलेटिंग टू दिस टाइम बैड डेट। तो देखो यहां पे देर आर सेवन केसेस। इवन व्हेन देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के 7 exceptions होने चाहिए। निशान पूछ रहा है, मैम 2023 में जो मिस्टर बी ने राइटिंग में दिया है वो भी 3 इयर्स के लिए टाइम बार डेट होगा? सुनो मेरी बात, जैसे 3 साल खत्म हो जाते हैं डेट टाइम बार्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसी टाइम बार्ड डेट को रीपे करने का आप वादा राइटिंग में दे रहे हो, है ना? अलीशा कह रही है, मैम टाइम बार्ड डेट से पहले केस फाइल किया, अगर देखो टाइम बार्ड डेट होने के बाद आप केस फाइल कर ही नहीं सकते हो, वही तो मैं कह रही हूं। You can only file a case up to 3 years from the time the debt is due. 3 साल के बाद debt time barred हो जाता है। Time barred हो जाता है मतलब आपके legal rights जो है
अब खत्म हो गए रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ द डेट. अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, केस भी फाइल नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो. सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हो कि वो बंदा अच्छा निकले और खुद होके राइटिंग में प्रॉमिस कर दे, साइन कर दे कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूं. नहीं तो समझ लेना ये पैसा आपका डूब गया, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है. ठीक है, टाइम बाद डेट के बाद अगर प्रॉमिसी वादा करता है पैसे देने के लिए राइटिंग में साइन करते हुए, तो ही पैसा रिकवर किया जा सकता है. अदरवाइज मिस्टर ए विल नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी, है ना. अब सुनो मेरी बात. सेवन केसेस है जहां पे इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कौन से सेवन केसेस? वन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. टू पार्टीज आर इन अ नियर रिलेशनशिप, दे हैव नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ. इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, पास्ट में आपने वॉलेंट्रीली कुछ किसी को सर्विसेज दिए जिसके बदले में आज आपको कंसिडरेशन दिया जा रहा है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. टाइम बार डेट, ऑलरेडी डेट टाइम बार हो चुका है फिर भी आप प्रॉमिस कर रहे हो उसको रीपे करने के लिए, इसके लिए अब वापस से कंसिडरेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. देर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एंड एजेंसी. कंप्लीटेड गिफ्ट and charity given does not require consideration. And last, bailment में अगर consideration ना है तो भी contract is a valid contract. इन्हीं seven points को learn करने के लिए मैंने एक memory technique बनाई है. ये देखो ये memory technique क्या कहती है. past में मतलब हो सकता है 11th standard में जब आप नए नए college में आए, आपने जो time pass के लिए love किया था, है ना, पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, अरे अनफॉर्चुनेटली आपका 11th स्टैंडर्ड कोरोना में गया क्या? नहीं, 12th गया. 11th फॉर्चुनेटली यू ऑल वर एबल टू अटेंड द कॉलेज, गुड. पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिला था, उसको आपने एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे दिया. पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में क्या मिला था, एक बैल मिली थी, उसको आपने आज क्या किया, एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे दिया है. तो देखो, पास्ट इज फॉर पॉइंट नंबर टू, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज. टाइम इज फॉर पॉइंट नंबर थ्री, टाइम बार डेट को रीपे करने का प्रॉमिस. लव इज फॉर पॉइंट नंबर वन, लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. गिफ्ट इज फॉर पॉइंट नंबर फाइव, कंप्लीटेड गिफ्ट. Bail is for bailment, point number 6. Agent is for agency and charity is for charity. मैं चाहती हूँ एक चिट्ठी आप लोग जानते हो ना, stick notes आप ले लो और ये memory technique वहाँ पे चिपका दो. क्या कहती है memory technique? Past में आपने जो time pass के लिए love किया था, जिसमें आपको gift में क्या मिला था, bail, आज आप उसको agent के द्वारा charity में दे रहे हो, है ना. Please write down this memory technique. और आज आपका होमवर्क होगा ये सातों भी पॉइंट्स विथ वन वन सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा. एंड प्लीज आफ्टर आई कम टू क्लास टुमारो यू कैन सेंड मी द फोटोज ऑफ योर होमवर्क. अभी होमवर्क दे रही हूं इसका ये मतलब नहीं है क्लास की छुट्टी हो गई. हाँ, Are you all done with the writing of the memory technique?
सो आई गेस यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट. पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसको आप जिसमें आपको गिफ्ट में क्या मिला था, बेल मिला था, आज आप क्या कर रहे हो, उसी बेल को एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे दे रहे हो. सिंपल. ओके, आई विल जस्ट मैसेज राज सर. सो प्लीज कम ऑन, लास्ट टाइम टेल मी व्हाट आर द 7 केसेस वेर इन even if there is no consideration, the contract is a valid contract. Come on, tell me. Past में जो आपने time pass के लिए love किया था, okay? जिसको आप, जिसमें आपको क्या हुआ था, gift में bail मिली थी, आज आप agent के द्वारा उसको charity में दे दे रहे हो. तो past is for past voluntary services. Time is for time but dead. Love is for natural love and affection. Gift is for completed gift. Bail is for bailment. Agent is for agency. And charity is for charity. Very good, my dear friends. तो आपका homework मैं वापस से remind कराना चाहती हूँ. सुनो ना, ये सातों के सातों exceptions आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में अलोंग विद वन वन सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन. याद रखना, आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइक इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स कि एक सवाल चार गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो. आपका अकाउंट्स और लॉ जो है इट इज इन राइटिंग. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर विदाउट लुकिंग इन टू योर बुक. लर्न इट एंड राइट इट डाउन एंड टुमोरो यू हैव टू शो इट टू मी. ओके, राज सर को मैंने मैसेज किया, टिल द टाइम ही इज गिविंग मी द रिप्लाई, क्या हम 5 मिनट दूसरा कुछ कर सकते हैं? नहीं, दूसरा कुछ करते हैं. मैं आपको पूछ रही नहीं हूं, मैं बोलती हूं आपको. चलो आ जाइए, यहां पे आ जाओ, यहां पे, यहां पे. लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. लीगल रूल्स राज सर का व्हाट्सएप बंद है. चलो 5 मिनट तो सिखा देती हूं मैं. लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. ठीक है, इसमें कुछ कुछ इजी पॉइंट्स है, वो इजी पॉइंट्स मैं आप लोगों को कराना चाहती हूं. पहले 2 पॉइंट्स को छोड़ दो. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एंड कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी कल. आप ये कुछ इजी पॉइंट्स पे आ जाओ. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पे आ जाओ. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पे प्लीज आ जाइए. एग्जीक्यूटेड का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट टेंस. एग्जीक्यूटरी का क्या मतलब होता है? कि अभी तक कुछ करना बचा हुआ है. तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है. ये पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो कहता है कंसिडरेशन जो है इट कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटरी इन नेचर. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, आई जस्ट हैड अ वर्ड विथ राज सर.
तो राज सर ने बताया, उन्होंने आज के लिए शायद से आपको कोई टास्क दिया है जो आपको कंप्लीट करना है. सो यू हैव नो मैथ्स क्लास, व्हिच मींस आई कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास. आ जाइए, चलो कम ऑन. रोहित, आपके सवाल का जवाब मैंने शायद लास्ट सेशन में ही दिया था. वो पूछ रहा है कि मैम क्या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या बुक की लैंग्वेज में ही लिखना जरूरी है. माय अदर क्लास स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर टू यू रोहित. ओके, एंड प्लीज रोहित, प्लीज अटेंटिवली अटेंड माय लेक्चर्स. इन सवालों का जवाब मैंने उसी दिन कह दिया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे सवाल मुझे पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी. चलो चलो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. कम ऑन, आज मैं पूरा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने वाली हूं. मैं लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन पढ़ाने वाली हूं, फिर मैं आप लोगों को कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगी और फिर मैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाने वाली हूं. ठीक है, देखा रोहित, गौरव ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है और साथ साथ में दूसरे गौरव ने भी आपका जवाब दे दिया है. दोनों गौरव ने आपका जवाब दे दिया है. अच्छा, सर ने कुछ लेक्चर अपलोड किया है वो देखने के लिए समय दिया है क्या? ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एटलीस्ट लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन कंप्लीट कर ले, तो फिर बाद में ब्रेक देने का और कंटिन्यू करने का सवाल नहीं आएगा. मैं क्या करती हूं, सुनो ना मेरी बात. आई डिंट नो कि सर ने अपलोड किया है लेक्चर और आपके अकाउंट्स की क्लास भी है, ठीक है ना. तो मैं क्या करती हूँ, सुनो ना, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन पूरा कंप्लीट कर देती हूँ. इसमें देखो सिर्फ 8 ही पॉइंट्स है, तो कल एक ही टॉपिक बचता है एंड दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कल क्या हो जाएगा ना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हमारा जो यूनिट नंबर 1 का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वो चीज कंबाइन करके 1 और 2 फिर टोटली कल कंप्लीट हो जाएगा. फिर परसों से हम यूनिट नंबर 3 शुरू कर सकते हैं ना, दैट वुड बी बेटर. सो एटलीस्ट लीगल रूल्स मैं पढ़ाना चालू करती हूं. तो देखो, पॉइंट नंबर 3 से मैंने शुरुआत की थी. पॉइंट नंबर 3 से, पॉइंट 3 क्या कहता है, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन बी एग्जीक्यूटरी इन नेचर. अगर आपने दोनों भी पार्टीज ने, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जो भी कंसिडरेशन मूव होना था वो हो गया है, तो माना जाएगा आपका जो कंसिडरेशन है दैट इज एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. ओके, बट अगर आपके कंसिडरेशन का कुछ काम पेंडिंग है, इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. तो देखो, कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन प्रॉमिस ऑफ एक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड. When it consists in promise, it is said to be executory. Act मतलब क्या? यहां पे इसने गाड़ी दे दी, देने का act हो गया. यहां पे इसने पैसे दे दिए, यहां पे पैसे का act हो गया. हो गया, जिसको जो consideration मिलना था वो मिल गया, इसको कहते हैं executed consideration. But अगर आपका consideration देना या मिलना बाकी है, सिर्फ वादा है, अभी मैंने कार दे दी बट अभी तक पैसा आना बचा हुआ है, उसने वादा किया है कि वो अगले महीने के 10 तारीख को पैसा देगा, इट्स अ प्रॉमिस, इट इज स्टिल अ प्रॉमिस. सो उसको कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. तो देखो, कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड and when it consists in promise it is said to be executory in nature. Point number 4 kehta hai, consideration may be past, it may be present or it may be future. Consideration may be past, it may be present or it may be future in nature. What does this mean? Consideration may be past. अभी मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था जब हम एक्सेप्शन देख रहे थे, आपने पास्ट में उस बच्चे को बचाया था समुन्द्र में डूबने से, जिसके लिए आज सेठ जी कह रहे हैं कि ही बच्चा, आई एम विलिंग टू गिव यू 5 लाख रुपीज बिकॉज गोवा के इस एपिसोड के वजह से मुझे रियलाइज हुआ है दैट आपने कितना कुछ बचाया है,
आज मुझे आपको 10 लाख रुपए देने हैं, ये जो कंसिडरेशन है दिस इज अ पास्ट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट. जैसे आज आप किराना की दुकान में गए, आपने 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया, 10 रुपए दिए चिप्स का पैकेट लिया, 10 रुपए दिए चिप्स का पैकेट लिया. दिस इज वॉट इट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन. एंड कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी फ्यूचर इन नेचर. फ्यूचर मतलब क्या, यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्रेडिट सेल्स किया है. जिया ना, डोंट डू दैट. कम हियर, यू आर मूविंग द कैमरा. कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी फ्यूचर. फ्यूचर मतलब क्या, जिया ना प्लीज कैमरा को इस साइड शिफ्ट करो, कैमरा को शिफ्ट करो. जैसे अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया है, देखो कैमरा शिफ्ट हो गया बेटा, बस अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया, यू कैन कम हियर, से हाय टू द स्टूडेंट्स, कम हियर. कम, से हाय टू माय स्टूडेंट्स. अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स इज नथिंग बट इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन. जहां पे आज आपने पैसे, आपने गुड्स दे दिए हैं, बट पैसे 1 महीने बाद मिलने वाले हैं. आज आपने गुड्स दे दिए हैं, बट पैसे आपको 1 महीने बाद मिलने वाले हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन. शर्मा रही है, वो नहीं आ रही है. शी इज स्टैंडिंग नियर द कैमरा बट शी इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अभी आप लोग नए नए हो ना, उसके लिए इसलिए. जियाना, यू वांट टू कम एंड से हाय टू माय स्टूडेंट्स? नो, यस, शी इज नॉट इन अ मूड राइट नाउ. आई टोल्ड हर, बट शर्मा रही है वो. कोई बात नहीं. इतने शैतान हो आप लोग, डर जाएगी आपको देख के. आ जाओ. तो देखो, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन बी एग्जीक्यूटरी, इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर इन नेचर. पॉइंट नंबर 5, हां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 5 कहता है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. ओके, सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिक्युलर वैल्यू. It need not be approximately of equal value with that of the promisor, what he is exchanging in return. तो जैसे कि say for example, I offered you के क्या आप मेरा ये iPhone 50,000 में खरीदना चाहते हो? वैसे तो ये iPhone की कीमत 1,08,000 है, but फिर भी मैं ये फोन आपको 50,000 में देने का offer कर रही हूं. यहां पर consideration is not adequate. बट देखो, आप मेरे स्टूडेंट हो, यू आर स्पेशल टू मी, सो ऑब्वियसली आई डू नॉट वॉन्ट टू सेल इट टू यू एट द मार्केट वैल्यू, है ना. सो फॉर मी वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आर रिलेशनशिप ओवर द मनी दैट आई एम गेटिंग इन रिटर्न. तो ऐसा हो सकता है दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट, बट इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता है. इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता है. इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखो, ओके, सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. गेटिंग दिस और नो माई डियर फ्रेंड्स? ओके,
गौरव कह रहा है मैम 40,000 में डन करते हैं, आप हर रोज आईफोन बेचने की बात करते हो। मैंने पहले भी कहा ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके नेक्स्ट, अ कंसिडरेशन कैन नॉट बी ऑफ अ थिंग विच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सुनो ना मेरी बात। आप ऐसी कोई चीज जो व्यक्ति वैसे भी लीगली बाउंड है करने के लिए, उस चीज के लिए आप कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते हो। जो काम करने के लिए पर्सन ऑलरेडी बाउंड है लीगली, वही काम करने के लिए वो व्यक्ति ओवर एंड अबव व्हाटएवर ही इज गेटिंग कैन नॉट डिमांड एनीथिंग। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल से आपका पासपोर्ट गुम गया, so you went to the police station to lodge an FIR, okay? अब पुलिस कहती है मेम साहब मैं आपका FIR लॉन्च करूंगा बट मुझे 5,000 रुपए दीजिए। अब देखो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है ही शुड रजिस्टर द FIR जिसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा ऑलरेडी दे रहा है। वही काम करने के लिए द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिमांड इवन अ सिंगल रूपी फ्रॉम मी। सो यू कैन नॉट आस्क फॉर कंसिडरेशन फॉर अ थिंग विच यू आर लीगली बाउंड टू डू। अगर ये आपने किया है इट इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। ओके ये चीज लीगली वैलिड नहीं है। ओके अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि कोई कोर्ट का विटनेस है, अब विटनेस अपनी गवाही देने के लिए और पैसे नहीं मांग सकता, ही इज लीगली बाउंड टू गिव हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो यू कैन नॉट आस्क फॉर कंसिडरेशन फॉर अ थिंग विच यू आर लीगली बाउंड टू डू। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। ये तो कितना इजी पॉइंट है यार, कितना इजी पॉइंट है। मैं आपको कह रही हूं आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज मेक दिस डेड पर्सन अलाइव, दिस इज नॉट पॉसिबल। और आई विल गिव यू 90 लाख रुपीज प्लीज फाइंड सम ट्रेजर बाय मैजिक। माई डियर फ्रेंड्स दिस इज इल्यूजनरी, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है बिकॉज कंसिडरेशन हैज टू बी रियल इन नेचर। और एक आखिरी पॉइंट है जो बहुत इजी पॉइंट है, आखिरी नहीं एक्चुअली पहले दो पॉइंट हमारे बचे हुए। 8th पॉइंट है जो कहता है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इट मस्ट नॉट बी इमोरल और इट मस्ट नॉट बी ओपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये चीज भी आप जानते हो। सो आपका जो कंसिडरेशन है इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब समथिंग दैट लॉ मेकर्स हैव प्रोहिबिटेड। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है मैं ये घर आपसे खरीदना चाहती हूं बट घर के बदले में आई विल गिव यू ड्रग्स, कोकेन सप्लाई करोगी, ड्रग्स में डील करना, क्या ये लीगली अलाउड है? इट इज अनलॉफुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है बिकॉज आपने कंसिडरेशन के लीगल रूल्स फॉलो नहीं किए। कंसिडरेशन शैल ऑल्सो नॉट बी इमोरल इन नेचर। इमोरल, इमोरल मतलब क्या? समथिंग विच इज अगेंस्ट योर मॉरल्स। मॉरल्स मतलब आपके वसूल। ओके इट इज अगेंस्ट योर मॉरल्स, ऐसा भी आपका कंसिडरेशन नहीं हो सकता। जैसे कि यू गेव योर हाउस ऑन रेंट फॉर गैम्बलिंग पर्पस, सो दिस इज नॉट अलाउड लीगली and it must not be opposed to public policy. Basically public ne jisko galat kaha hai waisi consideration aapka nahi ho sakta hai. Is bare mein opposed to public policy unit number 3 mein hum log detail mein padhne wale hain. Currently dekho aapke 6 points hue hain. 1, consideration can be executed, executory, it can be past, present or future. Consideration need not be adequate. ओके, कंसिडरेशन कैन नॉट बी ऑफ अ थिंग विच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट कैन नॉट बी इल्यूजनरी, इट कैन नॉट बी इमोरल
और इट कैन नॉट बी अनलॉफुल इन नेचर. अब लास्ट दो पॉइंट्स बचे हैं, जिसके बाद आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. कौन से दो पॉइंट्स है? सबसे पहले, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर. ये तो कितना कॉमन पॉइंट है, आप लोग जानते हो. सो कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी एट द डिजायर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसोर. यस और नो गाइस? तो यही तो चीज होती है, ये तो जनरली होता है. तो प्रोमिसोर के डिजायर पे ही कंसिडरेशन जो होता है वो मूव ऑन करता है. बट पॉइंट नंबर टू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन कैन समटाइम्स ऑल्सो मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. और इसी के लिए एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, और इसी केस लॉ का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ. कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. यहां पे देखो क्या हुआ है, सुनो ना मेरी बात. व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस? There was a mother and a daughter. There was a mother and a daughter. और यही mother जो है, unfortunately she was on her death bed. मतलब बिल्कुल उनकी हालत ठीक नहीं थी, and it might happen that she would die any moment. अब ये जो mother है वो अपनी बेटी से कुछ कहती है. कहती है, हे बेटी, तू वादा कर कि मेरे मरने के बाद हर साल तू मासी को कुछ एक अमाउंट देगी. अगर तू ये वादा करती है, आई विल प्रॉमिस यू दैट जो भी मेरे नाम की प्रॉपर्टी है वो मैं तेरे नाम पे कर लूंगी. देखो वापस से यहां पे क्या हुआ है, द मदर वॉज ऑन हर डेथ बेड और मदर जो है अपनी बेटी को कह रही है, हे बेटी तू वादा कर, तू वादा कर. तो बेटी प्रॉमिस हो रहे हैं यहां पे कि मेरे मरने के बाद हर साल तू मासी को ये एक्स अमाउंट देगी. अगर तू ये वादा करती है, देन इन रिटर्न आई प्रॉमिस यू कि मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं तेरे नाम पे कर देती हूं. तो बेटी ने मासी को ये एन्यूटी देने का वादा कर दिया, और जैसे ही बेटी ने मासी के नाम पर एन्यूटी देने का वादा किया, मां ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दी. आफ्टर फ्यू मंथ्स द मदर एक्सपायर्ड. आफ्टर फ्यू मंथ्स द मदर एक्सपायर्ड. मम्मी की डेथ के बाद कुछ समय के लिए द डॉटर गेव द एन्यूटी टू हर आंट, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम She stopped giving this annuity to her auntie. जैसे ही उसने आंटी को यह पैसा देना बंद कर दिया, आंटी filed a case against this daughter. आंटी का नाम था चिनैया और वो daughter का नाम था रमैया. आंटी filed a case against this daughter. कहते हुए, हे जज साहब देखो, इसने वादा किया था अपनी मम्मा से कि ये मुझे annuity देगी और अब ये annuity नहीं दे रही है. तो अब सवाल ये उठता है, इज दिस आंट एलिजिबल टू गेट दिस एन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज एंटर्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर. कम ऑन टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. इज द आंट एलिजिबल टू गेट द अमाउंट ऑफ एन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर? Come on, tell me.
Very good. All of you all have given me the correct answer, but the first student who gave me the answer along with the reason is Gayatri. Yes, because she is the beneficiary of the contract. Fir Ricky, jisne kaha, yes ma'am, because she is the beneficiary of the contract. Very good, Ricky, Gayatri and Kajal and Shivani. I am so proud of you, even Srishti. So yes, my dear friends, this Masi was eligible to receive the amount. Why? Because she was a beneficiary to the contract. वैसे ये case law जो है मैं वापस से आपको कल भी refer करने वाली हूँ when I will teach you all the exceptions to the general rule, privity of contract, जहाँ पे even if मासी is not a party to the contract, still she can sue upon it. यहां पे ये केस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां पे देखो ना, कंसिडरेशन इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, इट इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द मदर. मदर कह रही है डॉटर को कि अगर तू ये वादा करती है तो मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करने के लिए. जनरली इट इज द अदर वे अराउंड. जनरल रूल कहता है दैट एनी कंसिडरेशन यूजली मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. But it may happen in certain cases, जैसे चिन्नैया और रमैया के केस में हुआ, that the consideration is moving at the desire of the promisee. तो एक बार मैं क्या करना चाहती हूं, ये सारे के सारे 7 points, 8 points revise करना चाहती हूं, साथ ही साथ no consideration, no contract के exceptions को revise करना चाहती हूं, and then I will call it an off for today. तो देखो, कंसिडरेशन मतलब एनीथिंग दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न. इसी का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो. जनरल रूल कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर कंसिडरेशन. बट इवन इफ यू डू नॉट हैव कंसिडरेशन, माई डियर फ्रेंड, सच देर आर सर्टिन एक्सेप्शनल केसेस वेन इन द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब सुनो मेरी बात. What are the points wherein even if there is no consideration, still the contract remains to be a valid contract? Iski memory technique hai. Kya aap bol sakte ho? Past mein jo aapne time pass ke liye love kiya tha, jisme aapko gift mein bell mili thi, ab aap kya karo, agent ke dwara usko charity mein de rahe ho. Past is for past voluntary services. Time is for time barred debt. Love is for natural love and affection. Gift is for completed gift. Bail is for bailment. Agent is for agency. And charity is for charity. In 7 contracts, mein, even if there is no consideration, still the contract remains to be a valid contract. आपका homework है कि ये 7 भी points आपको लिखने हैं along with the explanation. अगला concept जो मैंने आपको कराया था आज, that was relating to the legal rules relating to consideration. जनरल रूल बोलता है कंसिडरेशन यूजली मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट मे बी एग्जीक्यूटरी. इट मे बी पास्ट, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी फ्यूचर. कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन कैन नॉट बी ऑफ अ थिंग विच यू आर लीगली बाउंड टू डू. Consideration has to be real. It cannot be illusionary and it cannot be unlawful and it cannot be immoral in nature. So these are the points that I have taught to you all. Baki ka chapter hum karenge kal. So thank you very much. See you all tomorrow. Bye bye guys. Take care. Keep learning. Stay inspired. See you tomorrow.